नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चरक फार्मा की वोमिटेप सिरप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिरप की सही सेवन विधि के बारे में, इस सिरप को कब काम में लेना चाहिए, इसे किसे काम में लेना चाहिए, इसके फायदे कितने होते हैं, इसकी MRP क्या है, इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं आदि सब बातों के अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एकदम सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देना और ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि कोई भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे वोमिटेप सिरप के फॉर्मुलेशन के बारे में। बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो इसमें हमें कपूर 600 मिलीग्राम, आंवला 100 मिलीग्राम, लेमन बार्क 50 मिलीग्राम, विडन 25 मिलीग्राम, पीपली 20 मिलीग्राम, सौंठ 10 मिलीग्राम, इलायची, लौंग और जावंत्री इसमें 10 मिलीग्राम, शुगर 3000 मिलीग्राम, सोडियम जो बेंजोएट है वो 7.5 मिलीग्राम और सोडियम मिथाइल परबेन इसमें 4 मिलीग्राम और सिट्रिक एसिड के साथ साथ कुछ कलर भी इस सिरप में मिलते हैं। दोस्तों, मार्केट में या फिर ऑनलाइन वोमिटेप सिरप को आप आसानी से खरीद सकते हैं। 60 ml की जो सिरप है वो लगभग 55 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाती है। ये अमेजोन पर या फिर चरक फार्मा की साइट पर भी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, वोमिटेप सिरप के मुख्य घटकों में कप्पी कच्चू, अम्ल की, लेमन बार्क और सौंठ शामिल होते हैं। नींबू की छाल जो है वो उल्टी आना जैसी फीलिंग या नोजिया, बेचैनी और जी मचलाना जैसी सारी दिक्कतों को ठीक करती है। अम्ल की या आंवला पाचन तंत्र में सुधार करती है। अम्ल की उल्टी आना, खट्टी डकार आना और मतली को सही करती है। कप्पी कच्चू बेचैनी को सही करने में सहायक होती है। सौंठ एक कार्मिनेटिव के रूप में काम करती है, ये पेट में बनने वाली गैसों को शांत करती है, मतली को रोकती है और अंतर की गतिशीलता या पेरास्टाल्सिस मूवमेंट को ठीक करती है। अब बात करते हैं इस सिरप के मुख्य लाभ के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप का मुख्य उपयोग जो है वो उल्टी आना जैसी फीलिंग या नोजिया, घबराहट, खट्टी डकार का आना, पेट में गैस बनना, पेट का भारीपन होना, मतली, बार बार उल्टी आना आदि सब दिक्कतों को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। वोमिटेप सिरप को गर्भावस्था में लेना ही 100% सुरक्षित माना जाता है, अतः कुछ बहनें गर्भावस्था में बिना दिक्कत के डॉक्टर की परमिशन पर इसे काम में ले सकती हैं। ये गर्भावस्था में होने वाली उल्टी, जी मचलाना जैसी सारी दिक्कतों को एकदम जड़ से खत्म कर देता है। ये सिर्फ हमारे पाचन तंत्र में आमाशय की सबसे अंदर वाली परत जो होती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं उसकी रक्षा करता है और उल्टी और घबराहट जैसी परेशानियों को एकदम से ठीक कर देता है। ये आहार नाल से संबंधित क्रमांकुंचन को भी सही करता है। दोस्तों, ये सिर्फ नेचुरल घटकों से मिलकर बनी होती है, ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। इस सिरप के प्रयोग से नींद भी नहीं आती है और इसका पाचन तंत्र पर भी कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टर से पूछकर इसको काम में लेना चाहिए। बात करें इसकी सही सेवन विधि की तो छोटे बच्चों को आधा चम्मच दिन में 3 बार एवं एडल्ट के लिए आप 5 से 10 ml या फिर 1 से 2 बड़े चम्मच दिन में 3 बार तक या फिर डॉक्टर के बताए अनुसार आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की वोमिटेप सिरप के बारे में। आप देख रहे थे द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।